यूपी में उपचुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। सपा का गढ़ और नेताजी मुलायम सिंह यादव की सीट मैनपुरी से, जहां डिंपल यादव सपा से मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी ने तुरुप का इक्का चल दिया है। तुरुप का इक्का इसलिए क्योंकि मैनपुरी से बीजेपी ने जिन रघुराज शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है, वो कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव के शिष्य रहे हैं और शिवपाल यादव के खास करीबी माने जाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से इटावा सदर की सीट रघुराज शाक्य के लिए मांगी थी, लेकिन जब ये सीट भी शिवपाल यादव को नहीं मिली, तब रघुराज शाक्य ने बिना शर्त बीजेपी का दामन थाम लिया था। हालांकि बीजेपी ने रघुराज शाक्य को टिकट नहीं दिया था, लेकिन अब मैनपुरी से उतार कर लड़ाई रोचक बना दी है। कौन है बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य? मैनपुरी का चुनाव हो और भला नेताजी मुलायम सिंह यादव की चर्चा न हो, ऐसा तो नामुमकिन है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने मैनपुरी उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव के शिष्य रघुराज शाक्य को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ये रघुराज सिंह शाक मुलायम सिंह का एक शिष्य भी है। मुलायम सिंह बड़े नेता थे, मुलायम सिंह का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने पता नहीं आज समाजवादी पार्टी को मजबूत किया, नेताजी किस तरह किया था, माननीय शिवपाल सिंह ने किस तरह मजबूत कर लिया आप सब जानते हैं, बुलंदियों पहुँचाने का काम किया था। अब जो बताइए, जो पुत्र अपने पिता का अपमान कर सकता है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब विरासत की बात कर रहे हैं तो विरासत तो अखिलेश जी को मिलनी थी, फिर क्यों बीच में हटा दिया? का विश्वास नहीं था भाई, उन्हें विश्वास विरासत तो उनको मिलनी थी, फिर क्यों बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष है? पता है उसके बाद आपने देखा नेताजी हटाने के बाद नेताजी ठीक नहीं रहे, मन विचलित हुआ। जो इतना बड़ा नेता जिसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने का, गरीब दबे कुचलों को बढ़ाने का काम किया था, उन्हें खत्म करने का, तो बड़ों कभी बुजुर्गों का जो अपमान करता वो कभी नहीं बढ़ सकता, मैं तो इतना जानता हूँ। इसी साल फरवरी में बीजेपी में शामिल होने से पहले रघुराज शाक्य प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे। रघुराज शाक्य 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर इटावा से सांसद चुने गए थे। उन्होंने 2012 में सपा के टिकट पर इटावा सदर सीट से विधानसभा का चुनाव भी जीता था। रघुराज शाक्य ने 27 जनवरी 2017 को सपा से इस्तीफा दे दिया था। बाद में रघुराज शाक्य शिवपाल सिंह यादव की प्रसपा में शामिल हो गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में रघुराज शाक्य ने इटावा सदर सीट से दावेदारी की थी, लेकिन सपा ने यहां से सर्वेश शाक्य को मैदान में उतार दिया था। इस वजह से रघुराज शाक्य ने प्रसपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब बीजेपी ने रघुराज को मैनपुरी सीट से लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। डिंपल को कितनी चुनौती दे पाएंगे रघुराज? मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हो रहा है। ये मुलायम परिवार की परंपरागत सीट रही है। ऐसे में सपा की ओर से डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया गया। उनके पक्ष में चुनावी मैदान में उतरे अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के नाम पर सभी वोट डिंपल को मिलने का दावा किया है। हालांकि भावनाओं को एक तरफ रखें तो शाक के वोट बैंक मुलायम सिंह यादव तक की चिंता इस सीट पर बढ़ाता रहा है। मैनपुरी सीट से लोकसभा चुनाव 2019 में महज 94,389 वोटों से अंतर में जीता था। मुलायम के खिलाफ प्रेम सिंह शाक्य चुनावी मैदान में उतरे थे। लोकसभा चुनाव 2019 में मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य को 4,30,537 वोट मिले थे। मुलायम सिंह यादव का ये आखिरी चुनाव माना जा रहा था, इस कारण भाजपा का कोई भी सीनियर नेता यहां प्रचार करने नहीं आया, लेकिन इस बार हालात और समीकरण दूसरे हैं। बहरहाल ये तो आने वाली 8 दिसंबर को पता चलेगा कि ऊंट किस ओर करवट लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।